मेरे को भी बहुत वो लगा जब मैं फर्स्ट में स्कूल जाती थी, तब मतलब बच्चे थे तो बहुत अलग ही रहते थे, कोई दोस्त नहीं बनते थे, तो थोड़ा अजीब लगता था। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे, फिर बातचीत होती थी सब फ्रेंड्स वगैरह से। उसके बाद फिर मैं विद्यावान पब्लिक स्कूल में आई। वहाँ से मैं 5th क्लास में थी तब, वहाँ से हमको एक कॉम्पिटिशन के लिए लेके गए थे बायोलॉजिकल पार्क में। तो वहाँ एक कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैंने वो पेंटिंग का कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे नेचर सीनरी बनानी थी, तो वहाँ पे मैंने नेचर सीनरी बनाई, बहुत अच्छी लगी सबको। फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे और पेंटिंग करना स्टार्ट किया। फिर वैसे पेंटिंग करते करते मैंने अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग बनाई। फिर मैंने ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया, ऐसे करते करते मैंने पेंटिंग करना। समस्या तो ऐसे कुछ नहीं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में थोड़ा यूँ हल होता तो बिगड़ जाती थोड़ी बहुत, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके सेट कर लिया, तो अब वो एकदम परफेक्ट बनती है। बचपन से ही पैदाइशी इसके हाथ ऐसे ही थे। जब पैदा हुई उस समय हमको भी थोड़ा ये फील हुआ था कि अब ये क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे इसका ये होगा, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको इसने भी ये किया। जैसे जैसे बड़ी होती गई, हम स्कूल का एडमिशन करवाने गए, उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी हमारे को, फिर भी स्कूल में एडमिशन हुआ धीरे धीरे इसका। और जब ये स्कूल में थोड़ा यूँ रहता था कि अकेली जाएगी, उस समय हमने भी थोड़ा स्कूल वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, हमने भी किया, और धीरे धीरे ये क्लास आगे आगे क्लासों में पढ़ती गई। फिर इसने अपने आप से पेंटिंग का, मैं पेंटिंग बनाऊंगी, फिर हमको यूँ लगता था कि ये कैसे पेंटिंग बनाएगी, फिर भी इसने नहीं, हम मेरे को तो पेंटिंग बनानी है, तो इसने धीरे धीरे पेंटिंग बनाना चालू किया। तो ये अब किसी का भी फोटो रूबरू बना ले, हूबहू फोटो बना लेती है ये। बाकी भी इसको डांस का बहुत शौक है, बड़े बड़े स्टेज पे ये डांस कर चुकी है, इसको एंकरिंग का भी बहुत शौक है, एंकरिंग भी करती है स्टेज पे ये, और बाकी इसका सब काम ये कर लेती है, इसका नहाना खाना खाना ये सब इसका काम ये खुद कर लेती है।